वेलकम टू एन अकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की। इंटरनेशनल करंट अफेयर्स से एक स्पेशल न्यूज आई है, वो न्यूज क्या है? न्यूज है कि मिस्ट्रेस इंडिया यूएसए, मिस इन इंडिया यूएसए एंड मिस इंडिया यूएसए 2022 के पेजेंट शो हुए थे, उसमें न्यू जर्सी में हुए थे, और उसमें इंडिया की तीन लड़कियां जो है वो हुआ इंडियन अमेरिकन के लिए था, मतलब कि जो हिंदुस्तानी अमेरिका में रहते हैं उनके लिए ये पेजेंट शो ऑर्गेनाइज होता है, एवरी ईयर होता है। इस बार 74 पार्टिसिपेंट्स ने पार्ट लिया था और 30 स्टेट्स के थे ये 74 पार्टिसिपेंट्स। 30 स्टेट्स कहाँ के? इंडिया के नहीं, 30 स्टेट्स ऑफ यूएसए। 74 पार्टिसिपेंट्स टू पार्ट इन दिस कंपटीशन रिप्रेजेंटिंग 30 स्टेट्स ऑफ यूएसए। भारत के स्टेट्स के नहीं थे ये, स्टेट्स थे अमेरिकन स्टेट्स थे, यूएसए के स्टेट थे। उनके 74 पार्टिसिपेंट्स ने वहाँ पार्ट लिया जो कि अमेरिका में रहते हैं, अमेरिका के ही नागरिक हैं, लेकिन वो कौन है? इंडियन है। जैसे कोई अमेरिकन इंडिया आ जाए और इंडिया की नागरिकता ले ले, लेकिन वो रहेगा कहाँ का? अमेरिकन इंडियन हो जाएगा। तो वैसे ही इंडो अमेरिकन जो है, मतलब इंडियन और अमेरिकन, जो इंडियन अमेरिका में रहते हैं और अमेरिका की नागरिकता रखते हैं आप, उनके लिए एक पेजेंट शो हुआ था। उसमें आर्या वालवेकर फर्स्ट रैंक आई है, फर्स्ट आई है वो मिस इंडिया यूएसए 2022 पेजेंट में, मतलब जो 2022 का जो पेजेंट शो हुआ है मिस इंडिया यूएसए का, उसमें आर्या वालवेकर फर्स्ट आई है। जैसे अपने यहाँ मिस इंडिया, मिस्टर इंडिया पेजेंट शोज होते हैं, वैसे ही वहाँ मिस्टर अमेरिका, मिस अमेरिका के भी होते हैं। सिमिलरली अपने इंडिया में भी स्टेट वाइज पेजेंट शोज भी होते हैं, एज वेल एज जो अमेरिकन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और किसी भी अदर कंट्री के लोग यहाँ रहते हैं और यहाँ रहने लग गए हैं उनके लिए भी पेजेंट्स होते हैं। पाकिस्तानियों के लिए हम नहीं करवाते हैं बिकॉज उनको डिजर्व ही नहीं करते हैं। फिर आर्या वालवेकर जो है वो 18 ईयर की एज है उनकी, और 18 ईयर की एज में उन्होंने ये खिताब जीत लिया है मिस इंडिया यूएसए 2022 का। अब ये पेजेंट शो कहाँ हुआ था? ये पेजेंट शो हुआ था भैया न्यू जर्सी में। न्यू जर्सी क्या है? न्यू जर्सी अमेरिकन एक स्टेट है, वहां पर न्यू जर्सी में ये पेजेंट शो हुआ था। 74 पार्टिसिपेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था, 30 स्टेट्स के थे अमेरिकन, 30 स्टेट्स जो है उनके थे। फिर बिलोंग टू, अब आर्या वालवेकर जो है वो कहाँ से बिलोंग करती हैं? वो इंडियन है, उनके पेरेंट्स इंडियन थे, वो भी इंडियन है, लेकिन वो अब अमेरिकन हो गई हैं बिकॉज वहाँ की उनको नागरिकता मिल गई है, सिटीजनशिप मिल गई है। अब अमेरिका में क्या रहती हैं? वो वर्जीनिया में रहती हैं, अमेरिका में, वर्जीनिया की ये रहने वाली है। इन्होंने इंडिया अमेरिका पेजेंट में फर्स्ट रैंक मिली है, मिस इंडिया यूएसए बनी है 2022 के लिए। अब अक्षी जैन की बात कर लेते हैं। अक्षी जैन जो है वो फर्स्ट आई है, उनको फर्स्ट रैंक मिली है या पेजेंट में वो फर्स्ट आई है मिसेज इंडिया यूएसए। अब ये तो हो गया शादीशुदा जो नहीं है उनके लिए, ये हो गया शादीशुदा के लिए, और ये वो हो गए जो 18 ईयर से कम एज में है। सो अक्षी जैन जो है वो शादीशुदा है, मिसेज इंडिया यूएसए बनी है, फर्स्ट आई है। तन्वी ग्रोवर जो है वो 18 ईयर से कम एज की है और इन्होंने इंडिया मिस टिन इंडिया यूएसए का खिताब इन्होंने जीता है, ये इसमें फर्स्ट आई है, मिस टिन इंडिया यूएसए का खिताब इन्होंने जीता है। ये कहाँ के रहने वाले हैं तीनों? ये तीनों अमेरिकन है, सिटीजनशिप इनके पास अमेरिका के, लेकिन इनका जो बेस है वो इंडियन है, मतलब इनके पेरेंट्स इंडियन है। इस वजह से वहाँ एक पेजेंट होता है और उस पेजेंट में हर साल मेल और फीमेल के लिए अलग अलग होता है, वहाँ पार्टिसिपेट करते हैं और उनमें से जो जीतता है वो सुर्खियों में आ जाता है। अब आर्या वालवेकर ने कहा कि उनका बचपन से ही सपना था कि वो फिल्म में और सिल्वर लाइफ जीना चाहती थी, सिल्वर स्क्रीन पे आना चाहती थी और अपनी फिल्मी लाइफ जीना चाहती थी। तो उन्होंने अपना ये जो आप फोटो देख रहे हो ये है आर्या वालवेकर जो मिस इंडिया यूएसए 2022 बनी है। बहुत बड़ा पेजेंट होता है और इसमें बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती हैं, लाइक वहाँ की मेंबरशिप मिलती है कई सारी जगहों की, मेंबरशिप के साथ साथ इनको कुछ फोटोशूट्स वगैरह मिलते हैं फ्री में, फोटोशूट्स के साथ कुछ टीवी शोज में इनका एज ए जज, एज एंकर और इस वे में प्रेजेंट किया जाता है। ये सारी जो फैसिलिटीज जो प्रोवाइड करवाता है वो पेजेंट जो करवाते हैं, पेजेंट ऑर्गेनाइजर जो होते हैं वो ये सब प्रोवाइड करवाते हैं। हमारे इंडिया में भी ऐसे होता है मिस इंडिया मिस्टर इंडिया के लिए, तो जो भी ये पेजेंट शोज जीतते हैं उनको फिर बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती हैं, फोटोशूट्स मिलते हैं बहुत सारे ब्रांड्स के, टीवी शोज मिलते हैं उनमें एज ए जज, एज ए एंकर, और बहुत सारे ट्रैवलिंग के कूपन्स मिलते हैं, कूपन्स इन सेंस की ट्रैवल फ्री हो जाता है उनका, कुछ एक पेमेंट भी मिलती है, हर टाइम अलग अलग होती है तो वो पेमेंट भी मिलती है। तो ऐसे करके ये पूरे शोज होते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।